हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन कि एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्यों जाती है लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में ही क्यों जाती क्यों होती हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं होती एल्कीन में तो इसका सिंपल सा रीज़न है बेटा क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होने के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे आर लैस टाइटली हैल्ड बिटवीन द टू कार्बन आइटम्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स द कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड देयर फोर पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड रिपेल न्यूक्लियरफाइल नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने का कारण न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए ये उसको रिपेल करती हैं इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में नहीं जाती हैं तो मैं आपको सिंपल एक बात लिख सकता हूँ कि एल्कीन जो है ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं क्यों नहीं करती हैं क्योंकि न्यूक्लियो जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन आल्सो नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में नहीं जाते हम अब भी जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक की जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक नहीं करेंगे अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू एलिकीन्स अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन्स अब ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एलिकीन्स ऐसा क्यों होता है तो बेटा ऐसा इसलिए है ये हमारे पास एल्कीन है ठीक है ये एल्कीन है अगर मैं इसकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाऊँ तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास ये ग्रुप एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अगर मैं करवाऊँगा तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा हमारे पास यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ सी और एच का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इसकी जगह एक्स ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा और हम क्या देख रहे हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड जो है सी और एच के बीच में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और यहाँ पर एक सी और एक्स के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है मतलब सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक सिग्मा बनेगा एक सिग्मा टूटेगा एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसलिए ये हमेशा इस इसफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन में कभी नहीं जाती है और दूसरा केस रहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्यों जाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसलिए जाएंगे ये जब एडिशन रिएक्शन होगी एक्स और वाई वाई नेगेटिव में तो क्या होगा यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ब्रेक करेगा बेटा जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और आपका ये ये जो ग्रुप है ये आपका इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये ग्रुप जो है वो आपका इस कार्बन के साथ जुड़ेगा mm. हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है अगर ऐसा केस हो रहा है एक पाई वीक बॉन्ड टूटने से दो सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो आपके फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि पाई बॉन्ड का है, वो 251 किलो जूल्स पर एनर्जी है लेकिन सिग्मा बोन 348 है तो ये लगभग 700 के आसपास हो जाएगी तो 251 और 700, तो देखो कम से कम 450 किलो जूल्स का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है एंड दैट्स वाई द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे आर द एनर्जेटिक्स तो दैट इसलिए हम बोल सकते हैं कि एल्कीन जो है वो ऑलवेज अंडरगो इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नॉट सब्स्टिट्यूशंस ये रीज़न है बेटा अब नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म यह कैसे पॉसिबल है तो मैकेनिज्म क्या है बेटा मैकेनिज्म यह है कि एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बाई टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ बी आर टू ब्रोमीन ब्रोमीन को जब हम इथीन में हम एडिशन करते हैं तो ये दो स्टेप रिएक्शन है इसमें फर्स्ट क्या होता है बेटा ब्रोमीन मोलिक्यूल जो है वो आपको पता है बी आर टू मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है लेकिन जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आता है बेटा किसके इथीन के कॉन्टैक्ट में आता है पाई इलेक्ट्रॉन कोलोड कुलो, जो है ये रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन को जो दो ब्रोमीन एटम को टुगेदर बनना है तो इसलिए बी आर टू मॉलिक्यूल बनाता है ऐसा करने से क्या होगा बी आर ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है ये पोलराइज हो जाएगा मतलब बी आर बी आर इथीन है ये पोलराइज हो जाएगा तो इसके ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इथीन क्या करेगा बेटा ये पॉजिटिव चार्ज दिस पॉजिटिव एंड ये ब्रोमीन का डाइपोल जो है इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा जब इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करेंगे लाइक like दिस पाई इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेंगे एथलीन मॉलिक्यूल की और एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये बनेगा आपका ब्रोमो इथाइल कार्बोकेटाइन ये फॉर्मेशन होगा और बी आर नेगेटिव ठीक है सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है ये रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज है वेरी रिएक्टिव है दिस अंडर द कैसे जाएगी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द आयन अब ये ब्रोमाइड आइन बी आर नेगेटिव सी एच टू पॉजिटिव सी एच टू बी आर ये ब्रोमाइड आइन यहाँ अटैक करेगा और ये फॉर्मेशन आपकी क्या बन जाएगी सी एच टू सी एच टू एक ब्रोमीन यहाँ हो जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ रहेगा इसलिए दो सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है बेटा ये एक सिगमा बॉन्डमा सिग्मा बॉन्ड जो है ये फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट है वन टू डाई ब्रोमो इथेन ये थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और उसका मैकेनिज्म नेक्स्ट आती है बेटा केमिकल रिएक्शन जो हैं वो एल्कीस की कैसे होती हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेटा एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिकल दे फॉर्म इथेन सी एस थ्री सी एस थ्री मोलिक ठीक है प्रोपीन में है तो एडिशन करेंगे ये प्रोपीन मोनिक बनेगा एडिशन ऑफ द डाई हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ हैलोजन हेलाइड्स एल्कीन्स व्हेन रिएक्ट विद द हेलोजन हेलाइड्स हेलोजन हेलाइड्स एच एक्स लाइक एच सी एल एच आर एंड एच आई टू फॉर्म एल्काइल हेलाइट्स या मोनो हैलो एल्कीस जब भी एल्कीन एल्केन्स मीन्स एग्जाम्पल यहाँ हम एल्कीन की ले रहे हैं बेटा इथीन इथीन इज अ टाइप ऑफ एल्कीन प्लस हेलोजन हैलाइट लाइक एच बी आर दे फॉर्म सी एच थ्री सी एच टू बी आर मीन्स ब्रोमो इथेन इथाइल ब्रोमाइड क्या हुआ इथीन जब भी हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये एल्काइल हेलाइड या है, मोनोहेलो एल्किन्स फॉर्म करेगी इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है बेटा वो डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो बॉन्ड बेटा उतनी ही जल्दी टूटेगा और उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो मीन्स लोअर द बाउंड एसोशिएशन एनर्जी मोर रिएक्टिव हेलोजन हैलाइट्स तो इनका जो ऑर्डर है वो चलेगा एच आई ग्रेटर दैन एच बी आर ग्रेटर एच सी एल ठीक है क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो बड़ा होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी कम होगी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी कम होगी बॉन्ड जल्दी टूटेगा बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतनी ही फास्ट होगी तो हम बोलेंगे कि ये मोर रिएक्टिव जो है वो एच आई में होगा नाउ ये जो बेटा फॉर्मेशन हो रही है दिस डिपेंड्स अपॉन द एल्किन इज सिमिट्रिकल और अनसिमिट्रिकल। ये जो इथीन का जो हैलोजन हेलाइड का बेटा एडिशन है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट बेटा दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा डिपेंड्स अपॉन वेदर एल्कीन इज सिमिट्रिकल अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा सिमिट्रिकल एल्किन क्या होती है और अनसीमेट्रिकल एल्किन क्या होती है सिमिट्रिकल एल्किन में बेटा ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा और अगर एल्कीन आपकी अनसिमेट्रिकल होती है तो देखो बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बनेंगे तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिमिट्रिकल एल्कीन तो बेटा सिमिट्रिकल क्या होगा हैविंग द सेम सब्सटीचुएंट सेम सब्सटीच्युएंट एट ईच एंड हर एक एंड के ऊपर सब्सटीचुएंट सेम होंगे लाइक सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड है बेटा यहाँ पर सी एच टू एक सब्सीचुड यहाँ पर है एक सब्सिचूड यहाँ पर है इसलिए हम इसको बोलेंगे ये समिट्रिकल एलकिनस है तो क्या कहा कि जब आपका फर्स्ट केस जो है वो सिमेट्रिकल एल्कन का है ये मैं आपको सिमेट्रिकल एल्किस का केस बता रहा हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक बनता है और ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है क्या प्रोडक्ट है वही एच बी आर की एडिशन करेंगे यहाँ पर हम तो हमारे पास ये ब्रोमोइथेन जो है वो सी एच थ्री सी एच टू बी आर फॉर्मेशन होगी अब इसका मैकेनिज़्म क्या होगा बेटा सिंपल मैकेनिज्म है होगा क्या यहाँ पर जो एच बी आर है जब हम एडिशन अडि, करते हैं बेटा हेलोजन की तो हेलोजन हैलाइड जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाएगा दो स्टेप्स में होगी एच बी आर है ब्रोमीन इसमें जो आपका ये आयनाइजेशन किस में होगा बेटा एच पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव में होगा स्टेप वन है फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन होगा किस तरीके से बनेगा इथीन है एच पॉजिटिव है यहाँ से ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसको एक्सेप्ट करेगा अपनी तरफ स्लो प्रोसेस होगा सी एस टू ये कार्बोकेटाइन बनेगा सी एस थ्री इसको बोलेंगे इथाइल कार्बो कार्बोकेटाइन और स्टेप टू में बहुत बार मैकेनिज़्म कर चुके हैं ये ब्रोमाइड आयन जो है ये सी एच टू अटैक करेगा बेटा किसके ऊपर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर यहाँ से अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलते हैं जिसको हम और ये ब्रोमीन सी एच टू सी एच थ्री ये ब्रोमोइथिन में फॉर्मेशन करेगा ये दिस इज द मैकेनिज्म तो ये था एक सिंपल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब हेलोजन हेलाइड्स की फॉर्मेशन हम करते हैं उसके बाद आता है बेटा सेकेंड आता है एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एलिकीन नेक्स्ट आता है बेटा एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एलकींस और यहाँ पर बात आती है मार्कोनिक शुरूल की तो पहले हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केंस की अनसिमेट्रिकल एल्किस क्या होगी बेटा अनसिमेट्रिकल एल्केंस सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अभी ये अनसिमेट्रिकल एल्किन क्यों है क्योंकि यहां पर जो सब्सिट्युएंट है वो सेम सब्सिट्युएंट नहीं है दो एंड के बीच में यहां पर आपका बेटा सी एच टू है और यहां पर सी एच थ्री सी एच है इसलिए ये अनसिमिट्रिकल एल्किन्स है तो क्या कहा था मैंने कि वेन एल्कीन इज अनसिमिट्रिकल लाइक like प्रोपीन द टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे Addition ऑफ एच बी आर जब हम इस प्रोपीन में एच बी आर की एडिशन करेंगे लाइक दिस एच बी आर की एडिशन करेंगे ठीक है कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बेटा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ये आपका बनेगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ये बी आर पोर्शन जो है या तो इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा तो यहाँ पर ये बनेगा ये बी आर और प्लस जो दूसरा है वो आएगा सी एच थ्री इस कार्बन के ऊपर टैच करेगा ये नेगेटिव पार्ट जो है सी एच थ्री क्यों करेगा इसकी एक्सप्लेनेशन अभी बताता हूँ सी एच टू और ये बनेगा फॉर्मेशन बी आर ठीक है ये है आपका टू ब्रोमो प्रोपेन और ये आपका बनता है वन ब्रोमो प्रोपेन तो ऐसा क्यों है ऐसा अब यहाँ पर मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से हम बात करते हैं मार्कोनिक ने क्या कहा था कि जो एडिशन है अनसिमेट्रिकल रीजेंट की और बेटा ये अनसिमिट्रिकल रिजिजेंट कौन कौन से हो सकते हैं मे बी एच एक्स एच टू ओ और एच ओ एक्स तो इनका जो नेगेटिव पार्ट है ठीक है नेगेटिव पार्ट जो है एडिंग मॉलिक्यूल्स का गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अब इस प्रोपीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कौन सी इन तीन कार्बन में से कौन सी एक कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो दैट इज़ ये कार्बन है तो इसलिए ये एक बी आर एडिशन है यहाँ पर चलेंगे तो मार्कोनिक्स के हिसाब से हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट हम इस प्रोडक्ट को लेंगे प्रोडक्ट तो ये भी होगा लेकिन ये माइनर होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्यों क्योंकि ये ब्रोमीन ये नेगेटिव पार्ट जो है ये उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा जो डबल बॉन्ड में एक कम हाइड्रोजन लेके चल जा रही है ठीक है अब ये ऐसा क्यों होता है इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको इस मार्कोनिक रूल में बताता हूँ कि क्यों ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप जो है वो आपका ऐड होता है ये है बेटा एक्सप्लेनेशन मार्कोनिक तो क्या होगा ये प्रोपीन है जब हम इस प्रोपीन में एच की एडिशन करते हैं तो हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है जब हम प्रोटोन ऐड करते हैं एच पॉजिटिव बी आर का एच पॉजिटिव जो है वो हम ऐड करते हैं तो ये एच पॉजिटिव जो है वो आपका दो तरीके से ऐड होगा फर्स्ट वे तो है कि ये यहाँ सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव और ये सी एच थ्री यहाँ से एच जो है वो एडिशन होगी तो एच पॉजिटिव में तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये बनेगा इसको हम बोलते हैं बेटा टू डिग्री कार्बोकेटाइन तो फर्स्ट केस में बेटा ये क्या बनता है टू डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है ठीक है और इस तरीके से ये प्रोटोन टोटर्मिनल जो है सेकंड टू डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ जब हम एडिशन करते हैं बेटा इस बी आर नेगेटिव में तो ये फॉर्मेशन आपकी सी एच थ्री सी एच और सी एस थ्री ये ये बी आर फॉर्मेशन बनती है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सेकेंड डिग्री सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इट इज़ अ मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन और सेकंड केस में क्या होता है सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू इसमें जब हम एडिशन करेंगे एच पॉजिटिव की तो आपके पास जो है ये प्रोडक्ट सी एच थ्री सी एच टू और सी एच टू कार्बोकेटाइन जो है वो आपका क्योंकि दो पोजीशन है बेटा या तो यहाँ पर ऐड करना या तो यहाँ पर ऐड करना फर्स्ट में जब प्रोडोनेट करते हैं तो ये सेकंड डिग्री का कार्बोकेटाइन बनता है इस केस में हम करते हैं तो आपके पास ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है और हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है तो यहाँ पर जब हम एडिशन करते हैं बेटा बी नेगेटिव की तो ये सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू बी बनता है और इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो है वो हम इसको मानते हैं क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द वन डिग्री कार्बोकेटाइन तो इसलिए मार्कोनिक के हिसाब से हम नेगेटिव पार्ट की एडिशन जो है वो यहाँ पर करेंगे जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे बिकॉज दे फॉर्म द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये था बेटा आपका मार्कोनिक्स रूल आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट सारा गुड बाय कीप वॉचिंग